Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Junior College, University of Allahabad. And in the series of discussing topics on the main theme, educational research, I am going to discuss the topic, monitoring the quality of research in education. Okay, and the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful for various purposes for teachers as well as students. Okay, so first of all, हम बात करने जा रहे हैं मॉनिटरिंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन, मतलब कि हम जो अनुसंधान करते हैं, जो हमारा रिसर्च का काम करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, या कौन सी बॉडी करती है, या कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनके तहत उसकी मॉनिटरिंग की जाती है, या क्या वो मानदंड है जिस पर खरी नहीं उतरती रिसर्च और आपकी रिसर्च खराब मानी जाती है. इसीलिए इसी क्रम में गुड क्वालिटी रिसर्च पर मैंने बात कर ली है, इथिकल इश्यूज इन रिसर्च पर बात कर ली, और आज अभी मॉनिटरिंग द क्वालिटी of research in education. Okay. तो सबसे पहले जानते हैं कि प्रेजेंट स्टेट ऑफ रिसर्च क्या है, हमारे यहाँ जो अनुसंधान है, अनुसंधान कार्य है, रिसर्च की स्थिति है, वो क्या है. तो आप सभी जानते हैं कि वो अच्छी नहीं है. There is a consensus that barring a few exceptions, the overall quality of university and college level research in India is far from satisfactory. यानी कि हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में कॉलेज और हायर यूनिवर्सिटी लेवल पे जो रिसर्चेस होती हैं, रिसर्चेस हायर एजुकेशन लेवल पे होती ही हैं, तो वो फार फ्रॉम सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब संतोषजनक भी नहीं है, संतोषजनक की दशा से भी पीछे हैं. या आप कह सकते हैं कि इंडीड इन मेनी इंस्टीट्यूशंस द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इज अलार्मिंगली पुअर, यानी कि वो पुअर की दशा में है, मतलब खराब दशा में है. इन ए लार्ज नंबर ऑफ केसेस थीसिस डू नॉट कंफॉर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड डू नॉट मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू थियोरेटिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट्स ऑफ ए गिवन डिसिप्लिन. यानी कि बहुत सारी रिसर्चेस ऐसी होती हैं, थीसिस ऐसी होती हैं जो स्टैंडर्ड्स पे खरी नहीं उतरती, इंटरनेशनल नेशनल किसी भी स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतरती, और जो कि रिसर्च का मूलभूत उद्देश्य है कि उसको अपने डिसिप्लिन में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करना है, नॉलेज के क्षेत्र में उसका एनहांसमेंट करना है, वो नहीं करती. फिर टू बी श्योर पॉलिसी मेकर्स हैव लॉन्ग बीन अवेयर ऑफ द डिस्मल स्टेट ऑफ रिसर्च इन इंडिया. यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है कि रिसर्च की क्या स्थिति है. पॉलिसी मेकर्स जानते हैं कि भारतवर्ष में रिसर्च की दशा ठीक नहीं, बहुत समय से इससे परिचित हैं. टाइम एंड अगेन क्वेश्चंस हैव बीन रेज्ड ऑन द क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द रिसर्च आउटपुट. इसीलिए समय समय पर ये बात उठती रहती है, ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि किस प्रकार से रिसर्च आउटपुट जो है उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाई जाए. तो इस क्रम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI ने क्या क्या किया है, देखिए दो काम किए उसने. 2013 की ही बात से बात की जा रही है, मतलब 10 साल पहले उसने बनाया रूसा. रूसा क्या, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. और उसने बनाया इसलिए कि उस फंडिंग दी जा सके हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को जिनको जरूरत है, कि धन की कमी की वजह से रिसर्च वर्क प्रभावित ना हो. और 2015 में NIRF लॉन्च किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसमें कि जो रैंकिंग है उसका एक पैरामीटर और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो रिसर्च है. वॉज लॉन्च टू रैंक यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट्स इन वेरियस पैरामीटर्स इंक्लूडिंग रिसर्च, ताकि ये पता चल पाए कि किस इंस्टीट्यूशन जो है वो रिसर्च के पैरामीटर में सबसे ज़्यादा उसकी मार्किंग है, अंक हैं, तो बाकी इंस्टीट्यूशन भी अपने आप को उससे प्रेरणा लेकर, उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, उसकी फिलोसफी को फॉलो करते हुए, थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने आप ही रिसर्च का काम अच्छा कर सकें, या दूसरे लोग जान सकें कि हमारे यहाँ कौन सा मॉडल है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, है ना. तो ये तो दशा है रिसर्च की. फिर UGC, हम सभी जानते हैं कि UGC हमारे यहाँ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का काम देखती है. UGC के कई डॉक्यूमेंट इस सिलसिले में आए हैं, सॉरी, तो मैंने डॉक्यूमेंट वाइज इसको कवर करने की कोशिश की है. तो जो 1984 का डॉक्यूमेंट है, मतलब कितने साल हो गए, 24 होता तो 40 साल हो जाते ना, 39 ईयर्स हो गया है, जो ये बता रहा है कि कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन टीचिंग एंड रिसर्च, मतलब लगभग 40 साल पहले UGC इस पर बात कर रही है कि टीचिंग और रिसर्च का के स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए और उसके बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाए. और वो कह रही है कि इज द स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द UGC एंड इन दिस कनेक्शन द कमीशन कंसल्ट्स द यूनिवर्सिटीज एज वेल एज द एक्सपर्ट्स ऑन इट्स वेरियस पैनल्स. यानी कि इस काम को ध्यान में रखते हुए UGC ने क्या किया कि बहुत सारे पैनल डिस्कशन की एक्सपर्ट्स के संग, यूनिवर्सिटी मेंबर्स के संग, और उसने पाया कि द पॉलिसी डस इवॉल्व सर्कुलेटेड टू द यूनिवर्सिटीज, और जो पॉलिसी निकल के आई उसने यूनिवर्सिटीज में उसको सर्कुलेट किया.
कराया और कहा कि वो अपना टू फ्रेम देयर ओन स्टैट्यूट्स एंड ऑर्डिनेंसेस, वो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी के लिए हमने एक पॉलिसी बना के दे दी है और आप अपनी पॉलिसी अपने स्टैट्यूट्स और ऑर्डिनेंसेस बना लीजिए विद ड्यू रिगार्ड टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड, यानी कि आपको वो जो मेन गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखना है बट एज ऑल्सो टू फ्लेक्सीबिलिटी विच मे बी डिजायरेबल, लेकिन अगर सॉरी थोड़ा बहुत मतलब इतना रिजिड नहीं है कि आप उसको वर्ड टू वर्ड फॉलो करेंगे बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको इतनी है कि जब जहां जितनी जरूरत है उतनी फ्लेक्सिबिलिटी आप ले सकते हैं पर आपको गाइडलाइंस को ध्यान में रखना है। द एक्ट ऑफ द कमीशन इम्पावर्स इट टू फ्रेम रेगुलेशंस इन सम ऑफ दोज मैटर्स एंड द वायलेशन ऑफ द रेगुलेशंस बाय एनी इंस्टीट्यूशन कुड कॉज सस्पेंशन और विथड्रॉल ऑफ द ग्रांट्स प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, और वो कह रही है कि ठीक है हमने आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी तो दे दी लेकिन अगर आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आपको पता होगा कि फंडिंग का काम यूजीसी करती है तो यूजीसी जो भी ग्रांट उसने दी होगी वो सब आपसे विड्रॉ कर ली जाएगी। इन रिसर्च द कमीशन हैज टेकन अ नंबर ऑफ पॉलिसी डिसीजंस टू मेक मोर मनी अवेलेबल टू एक्सपैंड द बेस फॉर एग्जांपल इन माइनर एंड मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स एंड टू इंप्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर इन सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू इनेबल देम टू रेज स्टैंडर्ड्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन एंड अट्रैक्ट प्रोजेक्ट्स फ्रॉम मेनी नेशनल एजेंसीज इन रिलेशन टू एरियाज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब इसमें इस पॉलिसी में ये बात निकल के आई कि हमको फंडिंग देनी है, धन की कमी ना हो जैसा कि रूसा के क्षेत्र में केस में हुआ। तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए माइनर और मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपसे एप्लीकेशंस मांगी जाती हैं कि आप अपना बनाकर भेजिए और यूजीसी अगर उसको पास करती है तो वो उसके लिए फंडिंग करती है। मतलब जो अच्छे रिसर्चर हैं जिनके पास रिसर्च माइंडसेट है जिनके पास स्किल है वो धन की कमी ना आए उनको अपने रिसर्च वर्क कंप्लीट करने के लिए। ओके सॉरी। फिर 1984 के बाद 2019 का डॉक्यूमेंट आ रहा है, देखिए वो क्या कह रहा है। यूजीसी हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन प्रमोटिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक कॉलेजेस, मतलब इसीलिए वो उसने ये एक कमिटी बनाई जिसमें कि यही इसी पर बात की गई कि कैसे क्वालिटी ऑफ रिसर्च को प्रमोट किया जाए और इम्प्रूव किया जाए। तो द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट विच हैज टू पार्ट्स, तो दो भागों में कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कौन कौन से दो भाग? पहला भाग ये बता रहा है कि इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रिसर्च बाई फैकल्टी एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग रिसर्च कल्चर इन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। वो कह रहे हैं कि हम फैकल्टी के द्वारा जो रिसर्च की जा रही है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है और रिसर्च कल्चर एक क्रिएट करना है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, और वो एक यूजीसी रेगुलेशन भी प्रपोज किया उसने, मिनिमम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर द अवार्ड ऑफ एमफिल और पीएचडी डिग्रीज। वो कह रही है कि एमफिल और पीएचडी डिग्री के अवार्ड होने के लिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड भी उसने बता दिया कि कम से कम अगर इतना होगा तभी आपको पीएचडी अवार्ड होगी। तो दो भाग में उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की, सबमिट की। ये 2019 का डॉक्यूमेंट है। ओके, फिर डिटर्मिनेंट्स फॉर पुअर क्वालिटी रिसर्च है ना, कि कौन सी वो डिटर्मिनेंट हैं जो कि अच्छी रिसर्च होने से रोकते हैं। तो यूजीसी हैज लुक्ड इनटू द मैटर ऑफ पुअर स्टेट ऑफ रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड फाउंड सो मेनी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। यूजीसी ने पाया कि क्यों रिसर्च खराब हो रही है, उसका सबसे पहला कारण यह है कि इंक्रीजिंग नंबर्स, इतनी ज्यादा संख्या में पीएचडीज हो रही हैं। एज मेंशन अबव ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डिकेड्स द नंबर ऑफ एडमिशंस टू पीएचडी और एमफिल कोर्सेज हैव ऑलमोस्ट डबल्ड ड्यूरिंग द ईयर्स 2010 to 2017, यानी कि सिर्फ 2010 से 2017 में पीएचडी में इनरोल होने वालों की संख्या दुगनी हो जा रही है। The primary reason for this surge is mainly due to making PhD one of the prerequisites for entry to faculty positions in universities and also for career advancement. ऐसा इसलिए हो रहा है कि PhD को जोड़ दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी में रिक्रूट यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में रिक्रूट होना चाहते हैं तो आपके पास PhD होनी चाहिए, या आपको करियर में एडवांसमेंट चाहिए तो आपके लिए PhD आपके पास PhD होनी चाहिए। इस वजह रही कि इतनी संख्या में लोग इनरोल होने लगे PhD करने के लिए। ओके, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंडिंग में क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर रिसर्च गाइडेंस एंड पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनएडिक्वेट फंडिंग, यानी कि जो फंडिंग है वो अपर्याप्त है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़िया नहीं है और हमारे पास क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल भी नहीं है रिसर्च को गाइड करने के लिए। तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में क्या किया जाएगा, यूनिवर्सिटीज सिस्टम एम्फेसिस ऑन टीचिंग ओवर रिसर्च। देखिए हमारे यहाँ जनरली यूनिवर्सिटीज में टीचिंग पर ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, रिसर्च पे कम। इसीलिए आपको होगा आपके जहन में कि जो एनईपी 2020 आया है उसने अलग ही कर दिया है कि टीचिंग पे जहां ज्यादा हो रही है उनको टीचिंग यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दो, जहां रिसर्च पे ज्यादा एम्फेसिस है उसको रिसर्च यूनिवर्सिटी बना दो। फिर
रिजिड एडमिशन रूल्स, यानी कि जो एडमिशन के रूल है वो बहुत रिजिड है. लैक ऑफ इंटर मल्टी एंड ट्रांस डिसिप्लिनरी कल्चर इन यूनिवर्सिटीज. देखिए 2020 की पॉलिसी भी हमको कह रही है कि हमको इंटर डिसिप्लिनरी होना है, मल्टी डिसिप्लिनरी होना है, ट्रांस डिसिप्लिनरी होना है. लेकिन आपको पता होगा, आपने महसूस किया होगा कि रिसर्चेस सिंगुलर होती हैं, सिंगल डिसिप्लिनरी, कोई उसमें ट्रांस मल्टी इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्चेस हमारे यहाँ बहुत कम, नील के बराबर है. फिर द एब्सेंस ऑफ एकेडमिक मेंटरशिप प्रोवाइडेड बाय सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इन बैलेंसिंग टीचिंग लोड्स एंड रिसर्च रिक्वायरमेंट्स. जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी अक्सर ये बैलेंस नहीं बना पाते हैं टीचिंग लोड और रिसर्च रिक्वायरमेंट के बीच का, ये भी एक बड़ा कारण है. ओके फिर पब्लिकेशन इथिक्स एंड पीयर रिव्यू कल्चर. आपको ये इथिकल इश्यूज इन रिसर्च में ये आया था कि द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स फॉर द अवार्ड ऑफ डॉक्टरल डिग्रीज एंड एज अ मेट्रिक इन इवेल्युएटिंग फैकल्टी अंडर द एपीआई स्कोर हैज रिजल्टेड इन अ प्रोलिफरेशन ऑफ प्रीडेटरी जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंसेज विच हैव अबंडेंट क्लासिकल पीयर रिव्यू एज अ मेथड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. यानी कि पीयर रिव्यू का जो कल्चर था, जो ब्लाइंड रिव्यू का कल्चर था कि आप पेपर आर्टिकल भेजते थे, उसका रिव्यू होता था प्रॉपरली, फिर आपको करेक्शन के लिए भेजा जाता था, फिर आप भेजते थे सुधार के, फिर आपको करेक्शन के लिए भेजा जाता था और तब वो फाइनल शेप में आता था और पब्लिश होता था, ये अब बहुत कम रह गया है. कम रह गया मतलब अच्छे जर्नल फॉलो करते हैं बस, लेकिन अच्छे जर्नल्स की संख्या कम है, उस तक लोगों की पहुंच कम है, जानकारी नहीं है, या चूंकि वो इतना रिजिड स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं तो डरता है आदमी वहां देने से, सोचता है कि ठीक है अगर पैसे दे के पब्लिश हो जा रहा है तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी, क्योंकि मेहनत से तो सब बचना चाहते हैं इन जनरल. तो और जो ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दिया कि आपको अपना पेपर पब्लिश कराना है जर्नल में, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स में, तो इसने भी ये कल्चर खराब किया है. Plagiarism and data manipulation are issues of great concern which damage the credibility of research emanating from our institutions. Institutions must take the responsibility for ensuring academic standards and for emphasizing to both students and faculty the importance of maintaining the highest standards of integrity in academic research. है ना? वो कह रहे हैं कि आप हमारे institutions को ये दायित्व उठाना चाहिए कि academic standard पे वो emphasize करें. और quality of students seeking admission to PhD programs. So, a large number of students taking admission to PhD programs carry with them an accumulated deficit of disciplinary knowledge and research methodology and often even lack communication skills and linguistic competence. भाई जो स्टूडेंट आ रहा है पीएचडी में एनरोल होने के लिए, वो कह रहे हैं उसके पास ना तो डिसिप्लिन की नॉलेज है, ना रिसर्च मेथोडोलॉजी की है, ना कम्युनिकेशन स्किल्स है, ना भाषा पे कमांड है, तो फिर हम कैसे उनसे पीएचडी करवाएं. तो इसीलिए आपने जाना होगा कि अब प्री पीएचडी कोर्स वर्क एक पहले कराया जाता है, पीएचडी में एडमिशन होने के बाद पहले आपको कोर्स वर्क करना होता है, तब आप अपना काम शुरू करते हैं ताकि आपका एक बेसिक बैकग्राउंड बन जाए रिसर्च के लिए. फिर रिसर्च क्वालिटी एंड कल्चर ऑफ इनोवेशन. कह रहे हैं कि द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिसर्च कल्चर इन इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्स अ कल्चर ऑफ रिसर्च दैट इज एंकर्ड इन रोबस्ट क्लासरूम पेडागॉजी एंड करिकुला डिजाइंड टू अराउज इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी एंड इट्स एप्रोप्रिएट चैनलाइजेशन एंड इम्पार्टिंग ऑफ रिसर्च टूल्स एंड टेक्निक्स टू इंश्योर दैट इट इवेंचुअली रीचेज फ्रूशन. वो कह रहे हैं कि हमारी जो क्लासरूम की पेडागॉजी है और करिकुला, हमको इस तरह से उसको डिजाइन करना है कि वो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को जन्म दे सके. मतलब हमारे यहाँ अंदर बौद्धिक, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगी, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तर्क की क्षमता, ताकि जब रिसर्च में भी हम क्या करना है, किसी ना किसी क्वेश्चन का ही तो आंसर चाहिए, किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो ऐसा रिसर्च कल्चर क्यों नहीं है हमारे यहाँ, ऐसा होना चाहिए. The research activity in the Indian university system is still largely governed by the age-old disciplinary boundaries. वो कह रहे हैं वर्षों पुरानी जो disciplinary boundary चली आ रही है, उसी पर depend करता है हमारे यहाँ research की activity. In which academic departments function, it is imperative that disciplinary boundaries break down to pave the way to interdisciplinary, multidisciplinary and even transdisciplinary research. तो वो कह रहे हैं culture of innovation कैसे आएगा, कि हम boundaries break कर दीजिए विषयों के बीच की, ताकि inter मल्टी और ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च हो पाए. आप इसको मेरे मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मल्टीडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी और इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है. ओके देन रिसर्च एंड सोशल कनेक्ट. कह रहे हैं इट इज एसेंशियल टू मेक द कम्युनिटी ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम ऑल मेजर स्ट्रीम्स ऑफ नॉलेज एंड ऑल्सो वेरियस एकेडमिक एंड रेगुलेटरी बॉडीज इंक्लूडिंग द फंडिंग नॉलेज एंड ऑल्सो वेरियस दो बार हो गया. Sensitive to the idea that the social, ethical and legal aspects of their research activities are of emerging concerns worldwide. वो कह रहे हैं कि community of researchers from all major streams of knowledge and also various academic and regulatory bodies, including the funding knowledge,
वो कह रहे हैं कि हमको इस हम जो भी जुड़ा हुआ है रिसर्च से वो सेंसिटिव उसको होना चाहिए इस आइडिया के प्रति कि उसका जो आउटपुट है वो सोशल इथिकल लीगल एस्पेक्ट से पूरी दुनिया प्रभावित होने वाली है हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग है, तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है। स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, यूजीसी ने क्या रिकमेंड किया, यूजीसी ने कई हेडिंग्स के तहत रिकमेंड किया है कि आप सुधार सकते हैं, उसने मॉनिटर करा और पाया कि खराब स्थिति है तो वो स्थिति सुधारने के लिए रिकमेंडेशन दे रही है। कौन? यूनिवर्सिटी, यूजीसी। वो कह रही है कि क्लासरूम पेडागॉजी करिकुलम एंड सिस्टम ऑफ असेसमेंट सुधारिए, फिर डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स रिसर्च एप्टीट्यूड एंड अवेयरनेस ऑफ पीयर रिव्यू कल्चर आना चाहिए, राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस कराई जाए, रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ाया जाए, प्रमोटिंग एकेडमिक इंटीग्रिटी यानी कि जो रिसर्च जो आपका सुपरवाइजर है वो भी एकेडमिक इंटीग्रिटी को फॉलो करे, तो जो प्रैक्टिस करे तो जो उसका रिसर्च जो उसका स्टूडेंट होगा वो भी फॉलो करेगा। ओके, देन केयर रेफरेंस लिस्ट, हम सभी जानते हैं कि यूजीसी ने अपना केयर रेफरेंस लिस्ट बनाया है, वो किस लिए, कि एनी पब्लिकेशंस इन प्रीडेटरी जर्नल्स और प्रेजेंटेशंस इन प्रीडेटरी कॉन्फ्रेंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एकेडमिक क्रेडिट। वो कह रहे हैं कि आप अगर प्रीडेटरी जर्नल में छपवाएंगे तो हम इसका एपीआई स्कोर में आपको क्रेडिट नहीं देंगे। किस किस के लिए? ना सिलेक्शन के लिए, ना कन्फर्मेशन के लिए, ना प्रमोशन के लिए, ना परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, ना स्कॉलरशिप के लिए, ना एकेडमिक डिग्री के लिए, किसी के लिए भी। तो इसलिए उसने केयर रेफरेंस लिस्ट में अपने जर्नल डाले कि आप इसमें पब्लिश कराइए तभी आपको क्रेडिट मिलेगा, या एटलीस्ट पीयर रिव्यू जर्नल में। ओके, फिर रिमीडियल टीचिंग की बात की उसने, उसने कहा इनकरेजिंग वर्निकुलर लैंग्वेजेस से तो बहुत बात की जा रही है कि क्षेत्रीय भाषाओं में रिसर्च को बढ़ावा दिया जाए। फिर एक्सपोजर टू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन साइंस, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, वर्कशॉप्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन टू एक्सचेंज आइडियाज, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, पॉलिसी इंटर्नशिप, बहुत सारी बातें यूजीसी ने हमको बताई कि ये सब करके हम रिसर्च की दशा सुधार सकते हैं। और क्या कहा उसने, कुछ स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दिए कि फैकल्टी रिक्रूटमेंट के समय आप ध्यान रखिए कि बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट इंडिविजुअल को आप चुनिए, सीड ग्रांट दीजिए न्यू फैकल्टी को कि वो रिसर्च कर सके, सेबेटिकल लीव दीजिए रिसर्च करने के लिए, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की व्यवस्था कीजिए, ट्रेवल ग्रांट दीजिए फैकल्टी और स्टूडेंट्स को, एनुअल फैकल्टी या स्टूडेंट कॉन्क्लेव कराइए सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में। क्यों? क्योंकि रिसर्च की दशा सोशल साइंसेज में ज़्यादा खराब है, साइंसेज में फिर भी बेटर है। फेलोशिप्स फॉर पीएचडी स्कॉलर्स फॉर सेल्फ फाइनेंस या मिनिमल फाइनेंशियल सपोर्ट ऑन ए कॉम्पिटिटिव बेसिस, ये कर सकते हैं, या टीचिंग असिस्टेंटशिप एज पार्ट ऑफ द डॉक्टोरल प्रोग्राम। इतने सारे रिकमेंडेशन यूजीसी ने बताए कि ऐसा करके आप क्वालिटी ऑफ रिसर्च को सुधार सकते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक मेजर्स भी हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ हाई क्वालिटी रिसर्च। क्या है? क्रिएशन ऑफ सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज रिसर्च बोर्ड बनाया गया कि सोशल साइंसेज में भी बढ़िया रिसर्च हो सके। परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रेंथनिंग के लिए बनाया गया कैस, सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज, डीएसए, डीएसए क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल असिस्टेंस, यूपीई, ये सब बनाया गया। क्या यूपी क्या है? यूनिवर्सिटीज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस, ताकि उनको देख के बाकी इंस्टीट्यूशंस जो अच्छा नहीं कर रहे हैं वो भी अच्छा करने की कोशिश करें। फिर इंटर इंस्टीट्यूशनल कोलेबोरेशन की बात की है यूजीसी ने, और जो आपका एनईपी 2020 है वो क्या कहता है, वो कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनवाइसेज द प्रमोशन ऑफ क्वालिटी रिसर्च विद इन द हायर एजुकेशन सिस्टम, रिसर्च इनोवेशन एंड डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू एनहांस क्वालिटी एजुकेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, है ना, मतलब कि रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट, ये तीन चीजें जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। और ये कह रहे हैं कि द सोसाइटल चैलेंजेस ऑफ आवर कंट्री कैन ओनली बी एड्रेस्ड बाय हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट हायर एजुकेशन इकोसिस्टम, इसीलिए ये सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं। RDCs बनाए गए हैं, क्या, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल, ताकि मल्टीडिसिप्लिनरी ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, ट्रांसलेशनल रिसर्च कल्चर चले, जिसकी की बात एनईपी 2020 कर रहा है। और फंक्शन क्या है कि यूजीसी लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश एन आरडीसी इन एचईआईएस, उसने एक इनिशिएटिव लिया कि हम एचईआईएस मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आरडीसी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल बनाएं। तो आरडीसी क्या करेगा कि रिसर्च इकोसिस्टम बनाएगा, मदद करेगा रिसर्च के लिए, फैकल्टी को इंटेलेक्चुअल कैपिटल बनाने में मदद करेगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको देने में मदद करेगा। ओके, देन रिसर्च मॉनिटरिंग, द करेंट पॉलिसी एनवायरनमेंट इन इंडिया इनकरेजेस एचईआईएस टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एक्टिविटीज थ्रू द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ बिजनेस एंड फैसिलिटेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू नर्चर द क्वालिटी कल्चर ऑफ क्वालिटी रिसर्च बाय एडहेरिंग टू इथिकल प्रैक्टिसेस। वो कह रहे हैं कि इथिकल प्रैक्टिसेस को ध्यान में रखते हुए ही हमको इनकरेज करना है रिसर्च को।
और कुछ और भी स्टेप्स लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा रिसर्च और डेवलपमेंट को बूस्टअप करने के लिए, जैसे कि एनआरएफ बनाया गया, बहुत बात हो रही है इस पे, एनईबी 2020 में प्रपोज किया गया है कि एक एनआरएफ बनाया जाएगा जो क्या करेगा, कॉम्पिटिटिव पीयर रिव्यूड ग्रांट प्रपोजल्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग को प्रोवाइड करेगा। फिर इम्प्रिंट इनिशिएटिव बना लिया गया है। इम्प्रिंट इनिशिएटिव क्या है? इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये पैन आईआईटी और आईआईएससी का ज्वाइंट कोलैबोरेशन है। उसी तरह से अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है, ये किसका है? नीति आयोग के अंतर्गत बनाया गया, अटल इनोवेशन मिशन के तहत। फिर आईपीआर लॉज की बात की जा रही है, इंडिया एक सिग्नेटरी है, उसने साइन किया है किस पे? ट्रिप्स पे। ट्रिप्स क्या है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, एंड हैज इनएक्टेड इट्स डोमेस्टिक आईपीआर लॉज टू फोस्टर आईपीआर क्रिएशन एंड कर्टेल इट्स वायोलेशन। यानी कि हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझना है और इसके उल्लंघन से खुद को रोकना है और अपने रिसर्चर को भी। तो इतनी तरीके की बातें, इतना एनालिसिस, 1984 से यूजीसी इस पर काम कर रही है कि बहुत खराब रिसर्च की दशा और आज तक भी सुधरी नहीं। फिर 2019 का डॉक्यूमेंट आ रहा है, बता रहा है आप क्या कि पॉलिटी पॉलिसी क्वालिटी जो है आपके रिसर्च की वो क्यों खराब है, क्यों बेहतर हो सकती है, कैसे बेहतर हो सकती है, उसके लिए वो रिकमेंडेशन दे रहा है। तो बहुत काम किया जा रहा है सुधारने के लिए, लेकिन सुधरेगा तो ग्राउंड लेवल पे ही ना, जो करने वाला है और जो कराने वाला है वो जब मेहनत करेंगे और अनइथिकल मीन्स का यूज नहीं करेंगे तब। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन, डन फ्रॉम माई साइड।